Hello friends, I am Sanjay Gupta. I welcome you on Sanjay Gupta Tech School. So C language video series in Hindi for beginners ka ye pehla video hai. And ye jo puri series hogi isme C language ke jo bhi features hain unka implementation main Hindi mein explain karunga kyunki maine bahut sare videos already English mein banaye hue hain but kuch students ne request kiya ki hame hamara jo medium hai wo Hindi medium hai to hame कुछ वीडियोस हिंदी में बनाकर दीजिए तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो सीरीज मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ. सो बेसिकली इस वीडियो सीरीज का जो प्लेलिस्ट लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा. तो अगर आप उस प्लेलिस्ट लिंक को देखेंगे तो आपको सारे वीडियोस एक के बाद एक ऑर्डर में अरेंज मिलेंगे. ठीक है. एंड ये जो वीडियो है इस लेक्चर नंबर 1 में हम ये टॉपिक्स कवर करने वाले हैं जो आपके सामने लिस्टेड है. तो इस वीडियो को देखने के बाद आप सी का बेसिक जान जाएंगे कि बेसिकली सी क्या है, क्यों यूज करते हैं, कौन कौन से फीचर्स से सपोर्ट करता है. एंड देन हम थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट स्टार्ट करेंगे कि सी में कैरेक्टर सेट क्या होता है, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं. एंड लास्टली आपको एक सी में प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है, कैसे हम सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, कैसे उसको रन किया जाता है प्रोग्राम को, वो सारी चीज आपको बताऊंगा. तो जो बिगिनर लेवल पर फर्स्ट लेक्चर और फर्स्ट वीडियो में जो चीजें होनी चाहिए वो इसमें अवेलेबल है. एंड वीडियो बाय वीडियो जब आप सारे लेक्चर्स देख लेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ हमें सी लैंग्वेज के अंदर अब प्रोग्राम्स लिखना आ गया. ठीक है. और अगर आप मुझसे ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं या कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, कोई डाउट पूछना चाहते हैं, तो ये मेरी ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है. और आप चाहें तो वीडियो में कमेंट करके भी मुझसे डिस्कशन कर सकते हैं. अब स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 1. सो बेसिकली सबसे पहले हमें डिस्कस करना है अबाउट सी. सो सी वाज डेवलप्ड बाय डेनिस रिची इन 1970s एट AT&T बेल लैब जो कि यूएसए में एस्टैब्लिश्ड है. तो ये चीज आपको एज इट इज लर्न करनी होगी. देन सेकंड पॉइंट कहता है सी इज हाई लेवल लैंग्वेज. इट ऑल्सो सपोर्ट लो लेवल लैंग्वेज फीचर्स. सो इट कैन बी कॉल्ड मिडिल लेवल लैंग्वेज. तो बेसिकली कंप्यूटर की जो लैंग्वेजेस उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक हाई लेवल और एक लो लेवल. तो सी जो लैंग्वेज है उसमें दोनों तरह के कोड इंप्लीमेंट हो सकते हैं, इसलिए आप इसको मिडिल लेवल लैंग्वेज भी बोल सकते हैं. थर्ड पॉइंट कहता है सी इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज. तो अब पहले केस सेंसिटिव का मीनिंग समझते हैं. जैसे मैंने अभी आपको अपना ईमेल आईडी दिखाया था या आप अपना ईमेल आईडी यूज करते हैं तो आपने देखा होगा कि ईमेल आईडी को अपर केस में लिखे या लोअर केस में लिखे, दोनों का मीनिंग सेम होता है. या हम कभी भी किसी को अपनी ईमेल आईडी बताते हैं तो हम ये नहीं बोलते कि ये लोअर केस है या अपर केस है. तो इट मींस लोअर केस और अपर केस का मीनिंग सेम है. तो वो चीज कंसीडर की जाती है केस इनसेंसिटिव. ठीक है. अब आप अपने पासवर्ड की बात करें तो पासवर्ड में अपर केस लोअर केस मैटर करता है. तो पासवर्ड होता है केस सेंसिटिव. तो सिमिलर टू पासवर्ड सी लैंग्वेज इज ऑल्सो केस सेंसिटिव. कि आपको ध्यान रखना है कोई चीज अगर अपर केस में लिखनी है तो अपर केस में ही लिखना है, अदरवाइज आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा, वो एरर शो करेगा. और कोई चीज अगर लोअर केस में लिखना है तो उसको लोअर में ही फॉलो करें. नेक्स्ट इज सी इज फंक्शन ओरिएंटेड लैंग्वेज. तो फंक्शन का मतलब होता है एक टास्क, कोई भी टास्क परफॉर्म करना. तो सी लैंग्वेज के अंदर दो तरह के फंक्शन होते हैं, एक होता है प्री डिफाइंड और दूसरा होता है यूजर डिफाइंड. तो अब इसको अगर ह्यूमन बॉडी से रिलेट करें तो ह्यूमन बॉडी में भी दो तरह के पार्ट्स होते हैं. एक प्री इंप्लीमेंटेड, जब आप पैदा होते हो तो आपको बहुत सारे बॉडी पार्ट्स पहले से अवेलेबल होते हैं. बट जब कोई आपके डिजीज या बीमारी हो जाती है तो डॉक्टर आपको कुछ एडिशनल पार्ट्स आपकी बॉडी में असेंबल करता है, लाइक पेसमेकर हो गया हार्ट के लिए, जब आपके फ्रैक्चर होता है तो रॉड इंसर्ट होती है. तो उनको हम बोलते हैं यूजर डिफाइंड पार्ट्स. ठीक है. डॉक्टर ने उसको इन्वेंट किया और आपको ठीक करने के लिए बॉडी में उनको यूज किया. तो सिमिलरली अगर आपको लगता है कि प्री डिफाइंड फंक्शन जो कि सी में ऑलरेडी अवेलेबल है उससे आपका काम नहीं हो पा रहा है तो आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग नए फंक्शंस भी डिजाइन कर सकते हैं. तो कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम पहले से लिखे हुए फंक्शन यूज करेंगे और कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम नए फंक्शन डिफाइन करेंगे. तो ये होता है सी की फंक्शन ओरिएंटेड लैंग्वेज है. तो ये बेसिक चीजें जो आपको सी के बारे में पता होनी चाहिए. अब बात करते हैं सी क्यों यूज करते हैं. तो फर्स्ट लाइन बोलता है सी वॉज डेवलप्ड टू इम्प्लीमेंट सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. तो सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं, सिस्टम एंड एप्लीकेशन, दोनों को इम्प्लीमेंट करने के लिए सी यूज किया जा सकता है. देन सी इज ऑल्सो यूज टू डू एम्बेडेड प्रोग्रामिंग. तो जो इलेक्ट्रिक
सॉरी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच को बिलोंग करते हैं बीटेक स्टूडेंट्स, वो बेसिकली अपने डिवाइसेस को कंट्रोल करने के लिए सी और सी प्लस प्लस को यूज करते हैं. देन थर्ड इज सी इज अ बेस फॉर एडवांस लैंग्वेजेस लाइक सी प्लस प्लस, पी एच पी, जावा, सी शार्प. तो अगर इन एडवांस लैंग्वेजेस को आप डायरेक्टली पढ़ेंगे तो अगेन आपको बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होगी और वो है सी लैंग्वेज. एंड लास्टली सी इज यूज टू सॉल्व मैथमेटिकल कैलकुलेशन, तो मैथ्स की कोई भी प्रॉब्लम आप सी के थ्रू इजिली सॉल्व कर सकते हैं. तो ये कुछ बेसिक रीजंस हैं जिसकी वजह से सी को यूज किया जाता है और 1970 में इम्प्लीमेंट हुआ बट स्टिल 2020 में भी हम इसको यूज करते हैं. तो कहीं पर बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए, कहीं पर एम्बेडेड प्रोग्रामिंग के लिए, कहीं पर सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर भी हम सी को आज के टाइम पर भी यूज करते हैं. देन दीज आर द फीचर्स. तो मेरे जितने भी वीडियो सीरीज में वीडियोज बनेंगे वो इन टॉपिक्स के ही अराउंड होंगे, ठीक है. तो अभी इन टॉपिक को एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि ये ज्यादा डिटेल में समझ में नहीं आएंगे. बट इस वीडियो में हम कैरेक्टर सेट, कॉन्स्टेंट, वेरिएबल एंड कीवर्ड, ये शुरू के जो चार पॉइंट है इनको कवर करेंगे और आगे आने वाले वीडियोज में आप बाकी टॉपिक्स को भी देख पाएंगे. और कुछ वीडियोज ऐसे भी होंगे जिसमें मैं आपको प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करके बताऊंगा ताकि आपको समझ में आएगा कि हाँ बेसिकली सी में जो कोडिंग है वो कैसे की जाती है. तो अब स्टार्ट करते हैं. तो अब आप एज्यूम कर सकते हैं कि हम सी की बिगिनिंग कर रहे हैं. तो सी कैरेक्टर सेट, तो जैसे हिंदी और इंग्लिश सीखने के लिए आपको पहले ABCD या कैक है गैग सिखाया जाता है, तो सिमिलरली सी लैंग्वेज के लिए आपको इन तीनों चीजों की नॉलेज होना जरूरी है. कि हम सी का कोई कोड लिखेंगे तो उसमें लोअर केस लेटर्स, अपर केस लेटर्स जो कि अल्फाबेट्स होते हैं, डिजिट्स 0 to 9, और इन दोनों के अलावा जो कीबोर्ड पर स्पेशल सिंबल्स हैं उनको, तो इन तीनों को कंबाइन करके आप अपना कोड सी में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है. तो ये बेसिकली कैरेक्टर सेट है सी का. तो तीनों चीजें आपको मालूम है तो इसलिए इंडिविजुअली इनको और डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है. तो आपको सिर्फ ये नॉलेज होना चाहिए कि हम इन तीनों की हेल्प से कोड लिख पाएंगे. अब बात करते हैं कॉन्स्टेंट्स की. सो अब एग्जाम्पल लेंगे मैथमेटिक्स का. तो अब दो टर्म डिस्कस करने वाले हैं, कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल्स. तो मैथमेटिक्स भी दो चीजों पर ही डिपेंडेंट है. आप कोई क्वांटिटी लेते हैं या तो उसको डायरेक्टली कैलकुलेशन में यूज कर लेते हैं या उसको किसी वेरिएबल में स्टोर करके और आप उसको कैलकुलेशन में यूज करते हैं. तो अ कॉन्स्टेंट इज अ क्वांटिटी विच डजंट चेंज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम. तो चार तरह के कॉन्स्टेंट हैं जो सी प्रोग्रामिंग में अवेलेबल है, इंटीजर, रियल, कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग. चारों के एग्जाम्पल सामने लिखे हुए हैं. इंटीजर आप इजीली समझ जाएंगे कि ऐसी वैल्यू जो बिना डेसिमल पॉइंट के हम लिखते हैं लाइक 5, 0, -6, तो ये पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव नंबर भी हो सकता है. अगर रियल या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर की बात करें तो इसमें पॉइंट वाली वैल्यूज आती हैं, तो 2.5, -5.7 और एनी अदर पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू जिसमें पॉइंट के बाद भी कुछ वैल्यू अवेलेबल होती है. थर्ड है कैरेक्टर. तो ये नया है आपके लिए, मैथमेटिक्स में अवेलेबल नहीं था. तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है अभी के लिए कि सिंगल कोट्स में अगर एक अल्फाबेट, स्पेशल सिंबल या डिजिट लिखा तो वो बन जाएगा कैरेक्टर कॉन्स्टेंट, और अगर एक से ज्यादा है तो क्या यूज करेंगे, डबल कोट्स. तो लास्ट में जो हेलो, पर्सन, डी, नम, 1, 2 लिखा हुआ है, इसमें एक से ज्यादा कैरेक्टर्स हैं इसलिए उनको डबल कोट्स में लिखा और उनको हम बोलते हैं स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट, ठीक है. तो मेरे थर्ड वीडियो जिसमें डेटा टाइप के बारे में बताऊंगा उसमें मैं इन सारी चीजों को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके बताऊंगा, ठीक है. तो आपको सिर्फ अभी के लिए इतना ध्यान रखना है कि चार तरह के कॉन्स्टेंट होते हैं, इंट, रियल, कैरेक्टर और स्ट्रिंग, और उनको कैसे लिखते हैं वो राइट हैंड साइड में मेंशन है. अब बात करते हैं वेरिएबल. तो जब आप अपना कोड लिखेंगे या प्रोग्राम लिखेंगे तो आपको यूजर से इनपुट लेना होगा, फिर कुछ कैलकुलेशन करनी होगी और फिर यूजर को रिजल्ट शो भी करना पड़ेगा. तो जो वैल्यूज यूजर इनपुट करता है वो तो होती है कॉन्स्टेंट वैल्यूज, बट प्रोग्राम के अंदर उनको स्टोर करने के लिए, मेमोरी में स्टोर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, वेरिएबल, ठीक है. तो वेरिएबल होल्ड्स अ कॉन्स्टेंट वैल्यू. देन सेकेंड पॉइंट कहता है अ वेरिएबल कैन चेंज इट्स वैल्यू ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम. तो वेरिएबल टाइम टू टाइम जैसे जैसे कैलकुलेशन आगे बढ़ती जाएगी वो अपनी वैल्यू चेंज कर लेगा. एंड वेरिएबल ऑक्यूपाइज सम मेमोरी स्पेस अकॉर्डिंग टू इट्स डेटा टाइप टू स्टोर कॉन्स्टेंट वैल्यू. तो वेरिएबल को कुछ मेमोरी एलोकेट होगी जहां पर जो कॉन्स्टेंट है वो जाके स्टोर होगा. तो अब एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं. तो रियल लाइफ एग्जाम्पल है आपका घर. तो आपका घर तो है वेरिएबल. अब वेरिएबल हम बात कर रहे हैं नेचर, उसमें रहने के हिसाब से, मूवमेंट के हिसाब से नहीं. तो वेरिएबल को आप
इक्विवेलेंट मान सकते हैं रैम और हार्ड डिस्क, ठीक है, सॉरी वेरिएबल को आप इक्विवेलेंट मान सकते हैं अपने घर के, ठीक है, वेरिएबल और आपका घर। अब वेरिएबल हम जो बनाएंगे वो बनेगा रैम या हार्ड डिस्क के अंदर, और आपका घर बना हुआ है अर्थ पर, ठीक है। वेरिएबल में स्टोर करेंगे कॉन्स्टेंट वैल्यू, और आपके घर में आप रहते हैं तो आप जो ह्यूमन बींग्स हैं वो हो गए कॉन्स्टेंट, उनको रहने के लिए घर चाहिए, तो कॉन्स्टेंट वैल्यूज को रहने के लिए वेरिएबल चाहिए। वेरिएबल कहाँ बनेगा? मेमोरी के अंदर, रैम और हार्ड डिस्क, और घर कहाँ बनेगा? अर्थ पर। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बनते हैं, ठीक है। तो जैसे आप अपने घर में अभी रह रहे हैं, आपने मान लो उसको सेल कर दिया किसी और को, तो वो उसमें रहने आ जाएगा, तो घर तो वही है, मतलब वेरिएबल वही है, बट उसकी वैल्यू चेंज हो गई, ह्यूमन बींग चेंज हो गया। तो सिमिलरली कॉन्स्टेंट और वेरिएबल प्रोग्रामिंग के अंदर काम करते हैं। तो कॉन्स्टेंट एक फिक्स क्वान्टिटी है जो किसी भी वेरिएबल में स्टोर हो सकता है, और वेरिएबल किसी भी कॉन्स्टेंट को स्टोर कर सकता है, ठीक। तो यहाँ पर एक और वर्ड इंपॉर्टेंट है, अगर आप लास्ट लाइन देखें तो उसमें लिखा हुआ है डेटा टाइप। तो डेटा टाइप बेसिकली बताता है कि मेमोरी कितनी एलोकेट करनी है, ठीक है। तो जब आप डेटा टाइप वाला वीडियो देख रहे होंगे तो आपको वो डिटेल में समझ में आ जाएगा, और कॉन्स्टेंट और वेरिएबल का यूज और प्रैक्टिकली वहां पर समझ में आएगा, ठीक। तो अभी के लिए सिर्फ इतना मानो कि वेरिएबल होल्ड करता है कोई भी कॉन्स्टेंट वैल्यू और कैलकुलेशन में उसको यूज कर सकते। अब हम पढ़ेंगे रूल्स टू डिक्लेयर वेरिएबल नेम। तो प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है, तो अब थोड़ी सी आपकी अंडरस्टैंडिंग और विजुअलाइज के लिए मैं थोड़े से स्लाइड्स को स्किप करके आगे मूव करता हूँ। तो ये अपना सी का प्रोग्राम होगा जो अपन आगे प्रैक्टिस करने वाले हैं इसी वीडियो में। तो अगर इसमें आप एक लाइन देखें इंट ए बी सी, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, अगर हम एक लाइन देखें इंट ए बी सी, ये मैंने लिया हाइलाइटर, अगर आप ये वाली लाइन गौर से देखें इंट ए बी सी, तो इसमें देखोगे कि ए बी सी ये तीन है वेरिएबल्स, और जो इंट लिखा हुआ है वो है डेटा टाइप। तो हमने ए बी सी वेरिएबल को यहां पर लिखा, अब जो वैल्यूज यूजर इनपुट कराएगा वो ए बी सी तीन वेरिएबल में स्टोर हो सकते, ठीक है। तो इस तरीके से हम वेरिएबल्स को यूज करते हैं। तो अभी जब प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करूंगा तो और उसको डिस्कस करेंगे। अब बात कर रहे थे वेरिएबल नेम की, तो हमने तीन वेरिएबल डिक्लेयर किए ए बी सी, तो उन नेम्स के लिए क्या क्या रूल्स होते हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो जैसे आप ईमेल आईडी बनाते हैं तो ईमेल आईडी का जो यूजर नेम होता है उसको चूज करने के रूल होते हैं, पासवर्ड को चूज करने के रूल होते हैं, तो सिमिलरली वेरिएबल बनाने के लिए भी कुछ रूल होते हैं, और वेरिएबल मतलब वेरिएबल का नाम। तब ये बोल रहा है अ वेरिएबल नेम कैन कंटेन ओनली अल्फाबेट्स डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। तो जो वेरिएबल आप बनाओगे उसमें तीन चीजें ही हो सकती हैं, अल्फाबेट हो सकते हैं, डिजिट्स हो सकते हैं, और एक स्पेशल सिंबल हो सकता है जो कि है अंडरस्कोर, इसके अलावा कुछ भी नहीं। देन सेकेंड पॉइंट बोलता है इट मस्ट स्टार्ट विद एन अल्फाबेट और अंडरस्कोर। तो वेरिएबल का जो नाम है वो या तो अल्फाबेट से स्टार्ट हो या फिर अंडरस्कोर से। देन वेरिएबल के नेम में स्पेसेस नहीं आएंगे, जैसे हम ईमेल आईडी में स्पेस नहीं दे सकते, सिमिलरली वेरिएबल के नेम में भी स्पेस नहीं आएगी। देन फोर्थ इज इट शुड नॉट बी अ कीवर्ड। तब ये नया वर्ड है कीवर्ड, तो कीवर्ड अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, तो अभी इस लाइन को स्किप कर देते हैं। देन वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव, तो ये चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वेरिएबल, और अगर हम बात करें सी लैंग्वेज की तो सी केस सेंसिटिव है, तो वेरिएबल का नाम भी केस सेंसिटिव हुआ। तो अगर हम आगे बढ़े इस प्रोग्राम पर तो आप देख सकते हैं एबीसी स्मॉल लेटर में लिखे हुए हैं, तो हमने एबीसी को जहां भी यूज किया है वहां पर हमने इनको स्मॉल लेटर में ही यूज किया हुआ। अगर आप ऊपर इंट एबीसी स्मॉल में लिखेंगे और नीचे कैपिटल एबीसी लिखोगे तो एरर आ जाएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि सी इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज। तो ये कुछ रूल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। तब बात करते हैं कीवर्ड्स की। तो कीवर्ड्स ऐसे वर्ड होते हैं जो रिजर्व होते हैं, कंपाइलर जो सी का सॉफ्टवेयर होता है उसको पहले से पता होता है कि ये वर्ड कीवर्ड होगा, एंड कंपाइलर नोज द मीनिंग ऑफ कीवर्ड, देयर आर टोटल 32 कीवर्ड्स। तो ये उनके लिस्ट है। तो अभी हमने देखा था एक लाइन यहाँ पर इट शुड नॉट बी ए कीवर्ड, तो वेरिएबल का नाम कीवर्ड नहीं होना चाहिए क्योंकि कीवर्ड्स ऑलरेडी रिजर्वड होते हैं, और अगर आपने रिजर्व वर्ड को एज अ वेरिएबल यूज कर लिया तो वो भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये लिस्ट है कीवर्ड्स की, मतलब ये ऐसे वर्ड्स हैं जो पहले से डिफाइंड होते हैं, इनका मीनिंग फिक्स्ड होता है, आपको इनको एज इट इज ही यूज करना है, ठीक है।
तो अब यहाँ पर एक और वर्ड आया कंपाइलर। तो सी जो हम इंस्टॉल करेंगे सी का सॉफ्टवेयर वो बेसिकली कंपाइलर होता है। तो कंपाइलर के दो काम होते हैं, एक तो आपके कोड में चेक करना एरर्स, अगर एरर्स हैं तो वो शो करेगा, एरर जब रिमूव हो जाएंगे तो आपका कोड बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि कंप्यूटर को सिर्फ बाइनरी समझ में आती है और फिर वो जो कंपाइलर या सॉफ्टवेयर है वो आपके कोड को रन भी करते हैं। ठीक है, तो ये कीवर्ड्स की बात हो गई। अब बात करते हैं इंस्ट्रक्शंस। तो एन इंस्ट्रक्शन इज अ सी स्टेटमेंट विच इज इम्प्लीमेंटेड टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। तो जो सी का प्रोग्राम होता है उसमें बहुत सारे स्टेटमेंट या इंस्ट्रक्शंस लिखने होते हैं। तो जैसे एग्जांपल के लिए वेरिएबल डिक्लेयर किया, इनपुट आउटपुट लिया, अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन, कंट्रोल फ्लो इंस्ट्रक्शन। तो अगर हम एग्जांपल पर वापस आए तो आप देखोगे यहाँ बहुत सारे इंस्ट्रक्शन है। ये पहला इंस्ट्रक्शन, ठीक है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। तो ऐसे एक एक लाइन को हम यहाँ क्या बोल रहे हैं, इंस्ट्रक्शन। ठीक, और अगर हम बात करें इंस्ट्रक्शन के बाद तो बात आती है प्रोग्राम की। तो प्रोग्राम का डेफिनेशन क्या हुआ, अ प्रोग्राम इज अ कलेक्शन ऑफ वन और मोर देन वन रिलेटेड इंस्ट्रक्शन विच आर इम्प्लीमेंटेड टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। तो अब ये पहला सी प्रोग्राम है, इसका टास्क क्या है, ऊपर ऊपर लिखा है कैलकुलेट सम ऑफ टू नंबर। तो ये अपना मेन टास्क है, ठीक है, जो हमें सॉल्व करना है, और उसके लिए हमने बहुत सारे स्टेटमेंट्स लिखे हैं और उन स्टेटमेंट्स को कंबाइनली हम क्या बोल रहे हैं, प्रोग्राम। तो इसको प्रोग्राम भी बोल सकते हैं, कोड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपको बोला जाएगा कि सी में एक प्रोग्राम बनाओ या सी में एक कोड लिखो, तो आपको इस तरह का कुछ लिखना है। तो आप पहले पूछेंगे प्रॉब्लम बताओ और फिर आप उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, तो ये तो था थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन, अब हम मूव करेंगे प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की तरफ। तो एक बार के लिए स्लाइड को फिर से देखते हैं। तो अबाउट सी, वाई सी, फीचर, कैरेक्टर सेट, कॉन्स्टेंट, वेरिएबल, कीवर्ड, तो इनके बारे में आपको हल्का फुल्का मोटा मोटा आइडिया लग गया होगा। और अब हम जो अपना पहला सी प्रोग्राम है वो इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। और जैसे जैसे आप वीडियो सीरीज में एक एक लेक्चर देखते जाएंगे तो आपको और डिटेल में नॉलेज मिल जाएगी। तो जैसे कि मैं आपको दिखाऊं लेक्चर नंबर 2 में मैंने क्या किया होगा, और बहुत सारे प्रोग्राम एक्सप्लेन किए हैं, कमेंट के बारे में बताया, प्रिंट एफ और स्कैन एफ करके हम यूज करते हैं उनको एक्सप्लोर किया गया है। तो एक एक करके जब आप लेक्चर देखते जाएंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, मुझे सी लैंग्वेज में प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करना आता है। तो अब हम बात करेंगे, ये मेरा वीडियो चैनल है, सॉरी मेरा यूट्यूब चैनल है जिसमें बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं। तो इसमें आपको इंग्लिश वाले वीडियोस भी मिलेंगे, हिंदी वाले वीडियोस की प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। और अगर हम गूगल पर जाएं तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे डेव सी प्लस प्लस मैं भी यूज़ करने वाला हूँ, ये मैंने सॉफ्टवेयर ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। तो आपको जब अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होगा तो आप डेव सी प्लस प्लस यहाँ सर्च करो, उसको डाउनलोड करके अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। एक सॉफ्टवेयर आता है टर्बो सी प्लस प्लस, तो आप उसको भी डाउनलोड करके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हो। अब आप बोलेंगे कि सी प्लस प्लस क्यों, क्योंकि सी प्लस प्लस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद आप उसमें सी और सी प्लस प्लस दोनों के प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, और एक हम यूज करते हैं कोड ब्लॉक्स, तो आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हो। तो ये सर्च करो और आपको नेट पे अवेलेबल हो जाएंगे, इनको डाउनलोड करके इंस्टॉल करो। तो अब मैंने जो डाउनलोड किया हुआ है वो है डेव सी प्लस प्लस, तो इस पर अपना पहला प्रोग्राम लिखते हैं। तो अब सबसे पहले हमें लिखना होगा हैश इंक्लूड stdio.h, देन मेन, देन कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पर मैंने लिखा प्रिंट एफ और मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड। तो बहुत सारी बुक्स के अंदर आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा कि एक जो सबसे पहला प्रोग्राम आप लिखेंगे उसमें आपको बताया जाएगा कि आप अपना नेम या हेलो वर्ल्ड कैसे प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये 3-4 लाइनें लिखी हैं। तो अभी मैंने इसको टाइप कर दिया, अब मैं इसको सेव करके पहले कंपाइल करके फिर रन करके बता देता हूँ और फिर एक एक लाइन का मीनिंग समझेंगे। तो अब आपको इसको सेव करना है, तो सेव करना सबको आता ही है, फाइल में जाकर सेव पर क्लिक करो। पहली बार सेव कर रहे हैं तो सेव एज, दूसरी बार सेव करेंगे तो सिर्फ कंट्रोल एस भी आप प्रेस कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद डेव सी प्लस प्लस के अंदर ये ऑप्शंस होते हैं कंपाइल और रन के लिए। तो ये दो ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, कंपाइल और रन। तो कंपाइल का मतलब होता है आपने जो कोड लिखा उसमें एरर्स चेक करना और उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर देना, और रन का मतलब होता है कि वो जो बाइनरी फाइल क्रिएट होगी उसको एग्जीक्यूट करना ताकि अपना रिजल्ट स्क्रीन पर शो हो पाए। तो आप पहले कंपाइल करते हैं, तो नीचे आप देखोगे कि ये आपको एरर्स और वार्निंग शो करेगा।
अब ये हर सॉफ्टवेयर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट होता है, जैसे टर्बो सी यूज कर रहे हैं तो डिफरेंट बिहेवियर होगा, अगर आप कोड ब्लॉक यूज कर रहे हैं तो डिफरेंट बिहेवियर होगा, तो आपको सर्च करना पड़ेगा कि हम कहाँ से कोड कंपाइल करें या रन करें। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो अगेन आप कमेंट कर सकते हो या आप उससे कम्युनिकेट करो, मैं आपकी हेल्प करूँ। और अब आप सोचेंगे कि अगर एरर आती तो क्या होता, तो मैंने यहाँ से ये सेमीकोलन रिमूव कर दिया, कोड को सेव किया और मैं इसको फिर से कंपाइल कर रहा हूँ, तो ये देखो ये शो कर रहा है एरर। तो इस तरीके से एक लाइन आ गई और ये बता रहा है लाइन नंबर 5 पर एक एरर है, और इसने एरर का डिटेल भी बता दिया कि क्या एरर हो सकती है। ये बोल रहा है एक्सपेक्टेड सेमीकोलन बिफोर कर्ली डिस्क्लोजिंग कर्ली ब्रेस, इट मींस हमने यहाँ पे सेमीकोलन मिस कर दिया इसलिए ये एरर आई। तो जब भी आप कोड लिखेंगे तो ऐसा तो होगा ही नहीं कि आपके हर प्रोग्राम बिल्कुल परफेक्ट होंगे, कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोड में आप एरर्स करेंगे, और इन एरर्स को बोलते हैं सिंटेक्स एरर। इन एरर्स को क्या बोलते हैं? सिंटेक्स एरर। तो सिंटेक्स मतलब जो चीज आप लिख रहे हैं उसको प्रोग्रामिंग में बोला जाता है सिंटेक्स, मतलब रूल्स, तो आपने रूल फॉलो नहीं किए इसलिए सिंटेक्स एरर आती है। ठीक है, तो जैसे ही सिंटेक्स एरर आएगी तो उसको रिजोल्व करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका प्रोग्राम रन नहीं हो पाएगा। तो अब अपन ने इसको रिजोल्व किया, फिर से कंपाइल करते हैं, तो अब देखो अगेन एरर जीरो, वार्निंग जीरो, और अब हम इसको रन कर सकते। तो जैसे ही रन करोगे तो आपने जो भी लिखा होगा कोड के अंदर उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट्स आएंगे, अगर आपने कुछ इनपुट एक्सपेक्ट किया होगा तो इनपुट प्रोवाइड करना पड़ेगा फिर रिजल्ट आएगा, और ऐसा भी हो सकता है कि आपने कुछ इनपुट रिसीव नहीं किया और डायरेक्टली आउटपुट प्रिंट हो जाए, जैसा इस केस में हुआ। तो ये हेलो वर्ल्ड स्क्रीन पर प्रिंट हो गया। अगर आप यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, जैसे अगर मैं अपना नाम लिखता हूँ तो मेरा नाम प्रिंट हो जाएगा, तो मैंने इसको चेंज किया। अब जैसे ही कोड चेंज करेंगे तो पहले कोड को सेव करो, कंपाइल करो और फिर रन करो, या फिर दोनों ऑप्शन एक साथ हैं कंपाइल एंड रन, तो इसको भी चूज कर सकते हैं। तो कंपाइल भी हो गया और रन भी हो गया, आप देख सकते हैं मेरा नाम यहाँ शो हो रहा है। ठीक, तो अब ये समझना जरूरी है कि ये जो कोड में लाइनें लिखी हैं इनका मतलब क्या है। तो अब अपन वापस चलते हैं अपनी पीपीटी पर, स्लाइड पर, और यहाँ पर इन सबका मीनिंग लिखा हुआ है। तो अब देखो सबसे पहले जो टर्म लिखी है वो है कमेंट, जिसमें स्लैश स्टार फिर तीन डैश फिर स्टार और स्लैश लिखा हुआ है। तो जो तीन डैश लिखे हुए हैं उनकी जगह तो अपना कंटेंट लिखेंगे कुछ भी, और स्लैश स्टार और स्टार स्लैश एज इट इज रहेगा, और ये होता है कमेंट। तो जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं कमेंट माय फर्स्ट सी प्रोग्राम, तो बेसिकली कमेंट होता है आपके प्रोग्राम के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए, वो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन का पार्ट नहीं होता। तो आप बोल सकते हैं बेसिकली ये डेड कोड है, प्रोग्राम में है बट ये रन नहीं होगा, और रन नहीं होगा उसके लिए आपको बिगिनिंग में ये सिंबल यूज करना है और एंड में ये सिंबल यूज करना है, और पूरे प्रोग्राम में कमेंट कहीं पर भी कितनी भी बार आप लिख सकते। ठीक, उसके बाद सेकेंड लाइन में लिखा हुआ है हैश इंक्लूड, और थर्ड लाइन में लिखा हुआ है stdio.h। तो अब ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ते हैं। तो हैश इंक्लूड इज अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव विच इंक्लूड्स हेडर फाइल इन द प्रोग्राम। तो हैश इंक्लूड क्या करता है, हेडर फाइल को इंक्लूड करता है, और ये है क्या, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ठीक है, अब आप बोलेंगे हेडर फाइल क्या होती है, तो थर्ड पॉइंट में लिखा है stdio.h इट इज अ हेडर फाइल, इट स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। तो अब हेडर फाइल बेसिकली क्या होती है, कि मैंने आपको शुरू में बताया था सी इज फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब हमें कुछ फंक्शन पहले से इम्प्लीमेंटेड मिलेंगे और उन फंक्शन को यूज करने के लिए आपको हेडर फाइल इंक्लूड करना पड़ेगा, मतलब जो प्रीडिफाइंड फंक्शन है उनकी कैटेगरी बना कि इस हेडर फाइल में ये वाले फंक्शन है, इस हेडर फाइल में ये वाले फंक्शन है। तो जैसे कि हमने एक फंक्शन यूज किया प्रिंट एफ, देखो नीचे लिखा हुआ है ये प्रिंट एफ हमने इसको यूज किया, तो यहाँ लिखा हुआ है इट इज प्रीडिफाइंड फंक्शन एंड इट डिस्प्लेज सम टेक्स्ट ऑन कंसोल, कंसोल मतलब आउटपुट स्क्रीन जो अभी ब्लैक कलर की विंडो ओपन हुई थी। तो प्रिंट एफ बेसिकली कौन सी हेडर फाइल में होता है, stdio.h। तो अब आप इस चीज को रिलेट कर पाएंगे, हमें क्या यूज करना था प्रिंट एफ, क्यों यूज करना था, क्योंकि हमें अपना नाम स्क्रीन पर डिस्प्ले कराना है। तो अब देखो रिक्वायरमेंट क्या थी, नाम डिस्प्ले कराना है, तो क्या यूज किया प्रिंट एफ, और जब प्रिंट एफ यूज करना है तो एक हेडर फाइल यूज करनी पड़ेगी क्योंकि प्रिंट एफ इज प्रीडिफाइंड फंक्शन, और प्रिंट एफ की हेडर फाइल कौन सी है stdio.h, और हेडर फाइल को इंक्लूड करना है इसलिए क्या लिखा, हैश इंक्लूड।
आई होप कि अब ये चीज समझ में आई होगी कि प्रिंट एफ कुछ भी प्रिंट करेगा, प्रिंट एफ कौन सी हेडर फाइल में होता है, stdio.h, और हेडर फाइल इंक्लूड करने के लिए क्या लिखोगे, हैश इंक्लूड। ठीक, अब आप सोच रहे हो कि ये मेन क्या चीज है, तो मेन बेसिकली एक ब्लॉक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे इसको कर्ली ब्रेस को ओपन किया और क्लोज किया, तो मेन ब्लॉक के अंदर जो लिखोगे वो ही रन होगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो अब इसका मीनिंग भी देख लेते हैं, ये मेन रहा, तो ये बोल रहा है इट इज अ यूजर डिफाइंड फंक्शन, तो यहां लिखा हुआ है कि इट इज कंपल्सरी टू यूज दिस फंक्शन इन एवरी सी प्रोग्राम बिकॉज एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम्स बिगिंस विद मेन, तो मेन में जो लिखा है वो ही रन होगा और ये यूजर डिफाइंड होता है, आप अपने अकॉर्डिंग इसकी जो डेफिनेशन है उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब अपन ये अपना जो प्रोग्राम है कैलकुलेट सम ऑफ टू नंबर ये इंप्लीमेंट करेंगे, तो यहां पर मैं हेडिंग चेंज कर रहा हूं, कैलकुलेट सम ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, अब इसको इंप्लीमेंट करते हैं, तो सबसे पहले वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे, तो ये मैंने तीन वेरिएबल बनाए, अब मैं यहां भी एक कमेंट लिख देता हूं। ठीक है, तो ये कमेंट क्या बता रहा है कि एबीसी क्या है, वेरिएबल्स, उसके बाद मैंने लिखा प्रिंट एफ एंटर टू नंबर्स। ठीक है, प्रिंट एफ ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, कुछ भी प्रिंट करना है तो उसके लिए यूज करते हैं। अब एक नया फंक्शन आएगा स्कैन एफ, तो स्कैन एफ बेसिकली क्या करता है, यूजर से इनपुट रिसीव करता है, और इसके बारे में और डिटेल में जो सेकंड नंबर का वीडियो है उसमें आप देखेंगे, तो इसमें थोड़ा बहुत मैं एक्सप्लेन करूंगा, बट सेकंड वीडियो में और बहुत सारे प्रोग्राम्स एक्सप्लेन किए हुए हैं, तो उसमें आपको प्रिंट एफ और स्कैन एफ का यूज और अच्छे से समझ में आते हैं। तो पहले एक बार इसको इम्प्लीमेंट कर देता हूँ और फिर इसको एक्सप्लेन करूंगा, तो ये अपना कोड कंप्लीट हुआ, तो अब देखो इसको समझते हैं। प्रिंट एफ आपको मालूम है कुछ भी डिस्प्ले करेगा स्क्रीन पर, स्कैन एफ रीड करने का काम करता है, और स्कैन एफ की हेडर फाइल भी कौन सी है, stdio.h। तो स्कैन एफ भी प्री डिफाइंड फंक्शन है जो कि stdio.h में अवेलेबल है, एंड यहां पर हमने दो बार परसेंट ही लिखा है, अब ये क्या चीज है वो देखते हैं। देखो ये आगे लिखा हुआ है परसेंट डी इज फॉर्मेट स्पेसिफायर, तो जब हम इंटीजर वैल्यूज को यूज करेंगे, इंटीजर वेरिएबल्स को यूज करेंगे, तो आपको परसेंट डी लिखना पड़ेगा, और यहां पर आप देख सकते हैं स्कैन एफ कितनी वैल्यूज को रीड कर रहा है, दो, तो हमने परसेंट डी भी कितनी बार लिखा है, दो बार। ठीक है, पहला नंबर ए में जाएगा और दूसरा नंबर बी में चला जाएगा। ठीक है, और जब भी वेरिएबल यूज करेंगे तो ये एंड वाला सिंबल यूज करना जरूरी है, तो इसको हम बोलते हैं बेसिकली एड्रेस ऑफ, ये जो एंड है इसको हम बोलेंगे एड्रेस ऑफ। तो जब वेरिएबल यूज करते हैं तो वेरिएबल को मेमोरी मिलती है, मेमोरी में उसका एक एड्रेस होता है, जैसे अब मैंने आपको रिलेट करके बताया था कि वेरिएबल इक्वलेंट टू घर, होम, तो घर का एक एड्रेस होता है, वैसे ही वेरिएबल का एक मेमोरी एड्रेस होता है, तो वो एड्रेस हमें किससे पता चलता है, इस एंड वाले सिंबल। ठीक है, तो अब आगे अगर हम देखें तो ये स्कैन एफ आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा कि परसेंट इज फॉर इंटीजर, दो बार इसलिए लिखा क्योंकि दो इंटीजर है, पहला नंबर ए में जाएगा दूसरा नंबर बी में जाएगा, इनपुट रिसीव करने के बाद दोनों को ऐड किया और रिजल्ट किस में स्टोर होगा, सी में, तो राइट हैंड साइड का रिजल्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर जाकर स्टोर होगा, और लास्ट में मुझे रिजल्ट शो कराना है स्क्रीन पर जो कि सम है। तो अब देखो यहाँ एक और चीज यूज की बैक स्लैश एन, तो जब हम एक से ज्यादा प्रिंट एफ यूज करते हैं तो हम चाहते हैं कि आउटपुट अलग अलग लाइन में प्रिंट हो, तो जो बैक स्लैश एन अभी हम यहाँ यूज कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं न्यू लाइन कैरेक्टर, तो ये क्या करेगा, कर्सर या आपका जो जहां पर कोई भी चीज प्रिंट होती है उसको बोलता है कर्सर, तो कर्सर या जो ब्लिंक करता है, जैसे अभी यहां पर ये लाइन ब्लिंक कर रही है, तो इसको ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में ले जाने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, बैक स्लैश एन, देन सम इक्वल्स टू एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, बट परसेंट डी प्रिंट नहीं होगा, इसकी जगह पर जो सी में वैल्यू है वो प्रिंट होगी। ठीक है, और लास्ट में सेमीकोलन, और इसको रिमूव करते हैं, मैंने इसको सेव किया, कंपाइल एंड रन, तब देखो एंटर टू नंबर, इसने कुछ भी रिजल्ट शो नहीं किया, ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि दो नंबर एंटर करें, तो मैंने डाला 10, 20, फिर आ गया सम इक्वल्स टू 30, तो अब देखो परसेंट डी प्रिंट नहीं हुआ, इसकी जगह क्या प्रिंट हुआ, वैल्यू जो कि सी वेरिएबल,
कोड लिखने का बेनिफिट क्या हुआ, हम इस प्रोग्राम को एक बार लिखने के बाद कितनी भी बार रन कर सकते हैं। तो इस बार मैंने डाला 100-200, आउटपुट आ गया 300। तो सॉफ्टवेयर का यूज यही है कि एक बार इम्प्लीमेंट करो और उसको कोई भी कितनी भी बार यूज कर सकता है। तो इस तरीके से ये एक्सप्लेनेशन, और आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, ये स्लाइड आपके पास अवेलेबल है, वीडियो में रिकॉर्ड हो चुका है, ये प्रोग्राम मैंने एक्सप्लेन किया। तो इस तरीके से मैंने जितने भी पॉइंट्स इस लेक्चर नंबर 1 के लिए आइडेंटिफाई किए थे वो कंप्लीट कर दिए। अब थोड़ा सा आपको बेसिक समझ में आ गया होगा, अब आप और थोड़ा एक्सपर्ट होना चाहते हैं तो लेक्चर नंबर 2 को देखो, जिसमें बहुत सारे और प्रोग्राम्स मैंने इम्प्लीमेंट करके बताए, कमेंट को और अच्छे से यूज करना बताया और प्रिंटअप और स्कैनअप को और अच्छे से एक्सप्लोर करके बताया, ठीक है। और जब आगे जाकर आप देखोगे तो लेक्चर नंबर 2 में आपको ये सारे प्रोग्राम्स का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है वो देखने को मिलेगा, कि सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, एरिया पैरामीटर कैसे कैलकुलेट होता है एंड सो ऑन। और फिर जब लेक्चर नंबर 3 वाला वीडियो देखोगे तो उसमें डेटा टाइप और कुछ और एग्जांपल्स। तो इस तरीके से पूरी वीडियो सीरीज आप देखोगे तो आप सी में एक्सपर्ट हो जाएंगे। और इस वीडियो सीरीज का जो लिंक है वो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, प्लेलिस्ट लिंक, और चाहें तो आप जो मेरा चैनल है उसमें जाकर भी इसको सर्च कर सकते हो। तो यहाँ बहुत सारी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, हिंदी इंग्लिश सारे वीडियोज आपको मिलेंगे, सो डू वॉच देम। एंड आई होप ये पहला इंट्रोडक्टरी वीडियो था तो आपको सी से फैमिलियर होने का मौका मिला, और आगे वीडियोस के थ्रू आप और अच्छे से अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कर पाओगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।